सीहोर के वीआईटी कॉलेज के हॉस्टल में हनुमान चालीसा पढ़ने पर कॉलेज प्रबंधन ने सख्त रुख अपनाया था। वहीं अब इस मामले में कॉलेज प्रबंधन किसी भी नोटिस से इनकार कर रहा है। इस मामले पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। वहीं कॉलेज के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता कमल पांचवाल ने। इसमें हनुमान चालीसा के सार्वजनिक से पाठ करने के लेकर कई तरह के मामले आ रहे हैं। मैं इस समय सीहोर और बहाष्टा के बीच में मौजूद वीआईटी कॉलेज के पास खड़ा हूं। बीती रात को 20 से ज़्यादा छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसको लेकर 60 से ज़्यादा छात्रों में वीआईटी कॉलेज के प्रबंधन ने नोटिस जारी किया। लेकिन प्रबंधन का कहना है कि हमने हनुमान चालीसा पाठ नहीं हुआ है, तो हमने कोई नोटिस जारी नहीं किया है। आप देख सकते हैं इस समय पुलिस बल तैनात है वीआईटी कॉलेज में और एसटीएफ की टीम भी तैनात है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं कि एसटीएफ की टीम भी तैनात है और पुलिस बल भी तैनात है। इस समय कॉलेज के पास लगा हुआ है, भारी पुलिस बल लगा हुआ है। 20 से ज़्यादा छात्रों ने पाठ किया था हनुमान चालीसा का और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया 7 छात्रों पर। दूसरे वर्ग ने की थी पूरे मामले की शिकायत। सीहोर के पास कोठी स्थित वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वीआईटी कॉलेज का है यह पूरा मामला। बीटेक सेकेंड ईयर के छात्र बताए जा रहे हैं सभी, लेकिन वीआईटी के वरिष्ठ अधिकारियों का इस मामले में जानकारी मिले, उनका कहना है कि हमने किसी भी तरह के नोटिस जारी नहीं किए। अब पूरे मामले को लेकर लगातार राष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है और पुलिस और एसटीएफ की टीम भी मौजूद है। देखना यह होगा कि जिस तरीके से पूरा मामला आया है, वे एक वीडियो भी सामने आ रहा है जिसमें छात्र रात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि पूरे मामले में क्या होता है। प्रशासन अलर्ट है, पुलिस बल भी तैनात है और एसटीएफ की टीम भी मौजूद है। इस स्थिति में जहां पूरा मामले में हनुमान चालीसा का मामला है, तो हिंदू संगठन का भी स्वाभाविक बात है इस मामले में प्रतिक्रिया आएगी। अभी तक उन लोगों की प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं।